उज्जैन में 2 वर्ष बाद महाकाल का ध्वज चल समारोह निकाला गया, जिसमें उज्जैन कलेक्टर व एसपी ने पूजन कर भाला भी घुमाया। रंगपंचमी के अवसर पर महाकाल का ध्वज चल समारोह बड़ी धूमधाम के साथ निकाला गया। सुबह से शाम तक उज्जैन में लोगों ने रंग से सराबोर होकर जमकर रंगपंचमी मनाई और शाम 6 बजे बाद महाकाल का ध्वज चल समारोह निकाला गया, जिसका शहर के लोगों ने स्वागत किया। 2 वर्ष बाद यह ध्वज चल समारोह शहर के पारंपरिक मार्ग से निकाला गया। महाकाल ध्वज का पहले उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने पूजन किया और फिर भाला भी घुमाया। उज्जैन विधायक पारस जैन ने भी भाले का प्रदर्शन किया। चल समारोह में रंग बिरंगी झांकियां ढोल बाजे साथ चल रहे थे। ध्वज चल समारोह पूरे आन बान शान के साथ नगर भ्रमण के लिए निकला है। बाबा का यह विजय ध्वज भक्त लोगों की कामनाएं पूरी होती है। 2 साल से कोविड के कारण बाबा का ध्वज सिर्फ नगर मंदिर परिसर में घूम रहा था, किंतु आज पूरे नगर भ्रमण के लिए पूरे आन बान शान के साथ में बाबा का ध्वज निकला हुआ है। बाबा का रथ शेरे की गाड़ी विराजमान है। बाबा वीरभद्र साक्षात विराजमान होकर चल रहे हैं। यह दृश्य देखते ही नहीं बन रहा है। चलो महाकाल, बाबा का ध्वज उठाएंगे, पुण्य लाभ कमाएंगे। जय महाकाल। वहीं परंपरागत रूप से बाक्सीपुरा व सिंहपुरी की भी गेर निकाली गई, जिसका शिप्रा नदी पर पूजन किया गया, जो गोपाल मंदिर होते हुए अपने अपने स्थान पर पहुंची।